धनु राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप हो जाए तैयार अपने जिंदगी के ही कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई सुनने के लिए, जिससे आप सभी को इस कलयुग का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं कि आने वाली अगले मात्र 48 घंटे के अंदर आप सभी का पूरा जीवन ना बदल जाए तो मैं भविष्यवाणी करना आज से बंद कर दूंगा। जी हाँ मेरी प्यारी दोस्तों, बस आप एक बार इस वीडियो को हमारे कहने पर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, शनि देव के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय शनि देव, एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लिखिएगा। और आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर भगवान शनि देव और माता रानी आपकी जिंदगी बदल देंगे, सारी समस्याएं, सारी जड़ से परेशानी खत्म कर देंगे। तो यकीन के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी के लिए कई समय से वीडियो बनाते आ रहे हैं और कई बार हम आपको सतर्क कभी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जातक कमेंट करते हैं तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो नहीं, ध्यान का एक खजाना है और खजाना से भरा समंतर आप हैं। बस आप रास्ते से भटक गए हैं जिनके कारण दुनिया आपको कुछ नहीं समझ रही, लेकिन वास्तव में आप अपने अंदर की गुना को, अपने शक्तियों को पहचाने। और ये वीडियो का निर्माण हम इसीलिए किए हैं ताकि आप सच से जुड़ चुके हैं और यह सच आपकी ही जीवन काल की है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करने वाली है आपकी राशि वालों की। जी हां प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट में अक्सर आपकी राशि वालों से यह सवाल आता है कि हम बहुत परेशान हैं और हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाली है कि आपकी राशि वाले लोगों की आखिर परेशानी की वजह क्या है। ऐसा क्यों है कि सभी बाहर राशियों में सिर्फ आपकी एक ऐसी राशि है जिसे बहुत दुख का सामना करना पड़ता है? इनकी कदर आखिर क्यों नहीं होती और आखिर कब होगी? इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे, साथ ही आपको बहुत सरल उपाय भी बताएंगे जिससे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। तो अगर आपकी राशि भी आपकी है तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इस एक अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि वायु तत्व की राशि मानी जाती है और भगवान शनि देव की सबसे प्रिय राशि भी होती है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं भगवान शनि देव भी होती है। और प्यारे दोस्तों, आपकी जीवन में सब कुछ शनि देव ही निर्धारित करती है। आपका जीवन शनि देव की कृपा पर ही चलता है। शनि देव आपके मालिक हैं और आप उनके सेवक हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग कभी कभी न्याय करते करते इमोशनली बहुत ज्यादा थक जाती हैं। ऐसा आपकी जीवन में अक्सर देखा गया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस उम्र में खुलेगा आपकी किस्मत का ताला और आखिर कब मिलेगी आपको सफलता। प्यारे दोस्तों, अगर लाइफ में घर शोक तो किस्मत बदलने में बहुत समय लग जाता है। जीवन में संघर्ष कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ बन सके, आपका कैरियर बन सके? दूसरी तरफ ज्योतिष में यह भी कहा गया है कि आपकी राशि काफी ही किस्मत वाली राशि होती है, काफी भाग्यशाली राशि होती है। हम भी यही कहना चाहेंगे कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो सुख और दुख सबकी जिंदगी में आते हैं। ये बात अलग होती है कि किसी को खुशी ज्यादा मिलती है और गम कम मिलते हैं, और किसी को गम ज्यादा मिलते हैं और खुशी कम मिलती है। ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हो सकती है। ये बात एक तराजू की तरह भी हो सकती है।
दूसरी आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष है, बहुत अधिक तकलीफों से आप जूझ रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों आप भगवान शनिदेव के कुछ उपाय करके अपने जीवन को सफल अवश्य बना सकती है। इसके लिए आप सुबह उठकर भगवान विष्णु जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें तथा प्रसाद के रूप में आप इन्हें ग्रहण करें। फिर आप खुद ही देख सकती हैं कि आपके लाइफ का संघर्ष धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। एक बार ऐसा करके आप जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको भगवान शनि के कुछ उपाय इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताएंगे। आप उन्हें भी आसमान सकती है, तो हम यह भी जानते हैं कि इस समय आपको घुटन हो रही है, आप खुद को अकेला महसूस कर रही हैं, आप अपनी पुरानी यादों में भी खुद को फंसा हुआ देख रही हैं और जिंदगी से थोड़ी सी ना कुछ भी हो चुकी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा जिंदगी में परेशानियों को पार करने के बाद। यहां तक आप पहुंची हैं तो अगर यह बुरा समय है तो यह भी गुजर ही जाएगा। हम मानते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है, पर जब तक गलत का सामना आप नहीं करोगे तो सही की पहचान आपको कैसे होगी। यह सारी उलझने, सारी परेशानियां आपको दुख देने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ सीख देने के लिए आती है। ये परेशानियां, ये उलझने आपको कुछ बनाने के लिए आती है। लोग अपने करियर को लेकर हार मान जाती है, टूट जाते हैं। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से टूटती हैं कि जैसे जीने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई हों। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप कहीं बाहर एक ही चीज पर आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, किसी एक इंसान को। आप अपनी जिंदगी जीने का मजा बना लेती हैं और तब आपका ही जीवन खतरे में आ जाता है, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहती हो, वह किसी और चीज के लिए आपको छोड़कर कर चला जाता है। और प्यारे दोस्तों, में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी इमेज उस इंसान की नजरों में गिरा रखी है, और जब आप खुद आप जब स्वयं अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा भी, तो दूसरा कोई आपकी वैल्यू क्यों करिएगा। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका मन जिस काम में है, आप जो काम करना चाहती हैं, सिर्फ आप उस काम को करें। दुनिया क्या कहती है, कोई क्या कहेगा, इस बात की आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। आपके अंदर का जो टैलेंट है उसे आप लेकर आइए, दुनिया के सामने आप लेकर आई है, उसे निखारने की आप अवश्य कोशिश करें, मेहनत करें, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपको वह सब कुछ मिल गया है जिसका अपने सपनों में अक्सर सूचना था। आपकी राशि के साथ ऐसा अक्सर यह देखा गया है कि आप जिस काम में हाथ डालती है वह काम बनती बनती बिगड़ जाता है। आप अगर नौकरी की तलाश करती हैं तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाता। और प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें कि आप प्यारे दोस्तों, जब भी किसी काम की शुरुआत करने जाए, तब आप उस दिन शुभ नाम करने से पहले पानी में अपनी एक चुटकी हल्दी डाल दें और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप स्वयं देखेंगे कि आप जिस काम की घर से बाहर जा रही हैं। और प्यारे दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए कि घर से निकलते समय आप अपना दायां पांव अपने घर के बाहर रखें, यानी कि राइट फुट आप अपने घर के बाहर रखें, और इसके बाद जब आप वापस घर पर लौट रही हो तो अपना बायां पांव यानी कि अपना लेफ्ट फुट अपने घर पर रखें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इस उपाय को करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप जिस काम के लिए जाएंगे वह काम आपका जरूर पूरा होगा। प्यारे दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर आजमाएं, क्योंकि कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्होंने हमें कमेंट में भी यह लिखा है कि इस उपाय से उन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही अपने जीवन में आप थोड़ी सी सावधानियां अवश्य भरती। प्यारे दोस्तों, आप उन लोगों से मत मिले जो आपका बुरा चाहते हैं।
आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब आपका सोचने का वक्त गया और करने का समय आ गया है। अब आपकी एक्शन लेने का समय आ गया है। उस तो उन लोगों का साथ भी आप छोड़ दीजिए जो वक्त पर हमेशा आपका साथ नहीं देती और आपने उनका साथ हमेशा दिया होता है। बुरे वक्त में आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपका मुश्किल समय आता है, जब आप तकलीफों में होती हैं, तब ऐसे सारे लोग आपके ऊपर नजर भरकर भी आपको नहीं देखते और कोई ना कोई बहाना बना देती है। हमारी आपसे यही सलाह है कि आप ऐसे लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दीजिए, उन लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए। भाई उसमें कोई भी हो, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार हो, यह आपका कोई भी करीबी हो, उससे आप दूरी बनाकर चलिए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप दूरी बना लेंगे ऐसे लोगों से, तो उस इंसान को भी एहसास होगा और वह सोचेगा कि यह हमारे बिना रह सकता है और यह हमारे बिना सब कुछ कर सकता है। क्योंकि अक्सर लोगों के दिल में ऐसा घमंड आ जाता है, अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश करती हैं, तो लोग ऐसे में घमंड करने लगती हैं। उसको इन बातों को थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और इसके अलावा जो आपको हम उपाय बता रही हैं, आप उसे जरूर आजमाएं प्यारे दोस्तों। अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर किस उम्र में खुलेगी आपकी राशि की किस्मत। जी हां, किस उम्र में आपको मिलेगी सफलता। तो देखिए, हम आपको उम्र तो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उम्र जानकर मेहनत करना छोड़ दें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जितनी मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करती हैं, भाभी के भरोसे बैठ जाती हैं कि भगवान हमारे घर में कुछ पैसा फेंक देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी, अपने कर्मों को तेज गति से, रफ्तार से आगे बढ़ाना होगा। हर कार्य को आपको सोच समझकर करना होगा और वही काम करना होगा जिसमें आप इंटरेस्ट रखती हैं, जो आप कर सकती हैं। दुनिया की परवाह ना करें। हम आपसे फिर दोबारा वही कहती हैं कि किसी बात की आप परवाह ना करें, सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें यहाँ आप सफल हो सकती हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आपको बता देंगे 27, 32 और 57 साल की उम्र में इन लोगों को मकान का लाभ जरूर मिल जाता है और यह लोग विवाह के बाद खूब संपत्ति भी कमाती हैं। यहाँ संपत्ति खरीद सकती है। विवाह के बाद इनको अधिक संपत्ति का लाभ मिलता है। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर प्यारे दोस्तों, संपत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ की नी लगाना चाहिए। आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, बता दें कि इस राशि के लोगों को आकस्मिक धन लाभ 1922, 28 और 48 वर्ष में प्राप्त होता है। जी हां, आपको किसी महिला की तरफ से भी यह धन लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी स्त्री पक्ष की तरफ से आपको यह आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस उम्र में बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक उम्र गुजर जाने के बाद भी आपको अभी तक अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, आपकी उम्र गुजर रही है और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, आप लोग हर तभी रिंग सुबह सुबह आप भगवान सूर्य को भगवान, ये कोट जल अवश्य अर्पित करें। और प्यारे दोस्तों, अपने जल में आप थोड़ी सी मिश्री भी अवश्य मिला दें और वह भगवान सूर्य जी को सच्चे दिल से अर्पित करें। और मन ही मन आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, आप भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाते हुए बोल दीजिए। इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपके साथ होने वाली खर्च भी कम हो जाएंगे। इसके साथ ही एक बड़ा उपाय हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो प्यारे दोस्तों, वहां गुरुवार के दिन के लिए का दान करें
तो 21 को यहां पर ध्यान रखिए कि आप केवल एक केले का दान कभी मत करिए, हमेशा 2, 4 या 6 केले का एक साथ आप दान करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, इससे आपकी धन की बचत भी होगी और धन प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही मंगलवार के दिन आप अपने आंखों को काजोल भी लगा सकते हैं, इससे आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय में लाभ देखने को मिलेगा। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसा करने से जल्दी आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। अगर नौकरी आपकी चल रही है और पदोन्नति नहीं मिल रही है तो इससे आपको पदोन्नति भी अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ व्यवस्थाएं में भी आपको अच्छी खबर और धन प्राप्ति अवश्य होगी। श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। मंत्र के 1.25 लाख होते ही आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। इन शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग में आए 7 अक्षर बेहद महत्वपूर्ण हैं और उच्चारण के समय एक भी अक्षर सही से नहीं पढ़ा जाए तो इस मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कई दुर्व्यसन छोड़ना चाहते हैं, कोई नशा छोड़ना चाहता है, कोई शराब छोड़ना चाहता है, कोई जुआ छोड़ना चाहता है, कोई सट्टा छोड़ना चाहता है, पिग, लेकिन नहीं छूटता। तो शनिवार वो दिन है जो चीज या बुराई छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, वो भी एक दिन में उपाय। शाम 4:15 बजे के तुरंत बाद घर वालों को ये कहकर खाना बना दो, अभी आता हूं, और सीधा शनि मंदिर जाओ। जेब में 1.25 मीटर काला धागा होना चाहिए। शनि मंदिर में गेट के बाहर धागे को 9 गांठ लगाओ और गले में बांध लो, जैसे चेन डालते हैं। मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर मन ही मन कहो, हे शनिदेव, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं इससे दुखी हूं। शराब, जुआ, सट्टा, नशा, मेरा पीछा छोड़वाओ, सीधा घर आ जाओ। बीच में नहीं रुकना, 6 बजे से पहले खाना खाना है। सारे परहेज जरूरी हैं, मौज करोगे मौज। ओ प्यारे दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में एक सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें और ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। निश्चित तौर पर आपका पैसा केवल बीमारियों में खर्च होगा, तो दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, लेकिन दीपक आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है और बाती का मुख्य आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा में रखें तो सर्वोत्तम होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके मित्र खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में बरकत आएगी। यह दोस्तों यदि आपको दीपक से जुड़ा हुआ, क्योंकि दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है या पद्धति है जिसके बिना पूजा हमेशा अधूरी रहती है। यदि आपको दीपक के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी पूजा का फल ले जाएगा कोई और दोस्त, नकारात्मक शक्तियां आपकी पूजा का पूरा फल ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत पूजा की फिर भी हमें दुख प्राप्त हुए, कष्ट प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों यदि आपको दीपक के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि दीपक के ऊपर वीडियो बनाई है, हम आपको एक ऐसा विस्तृत वीडियो बनाकर देंगे जैसी जानकारी आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई होगी। दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे, आप कमेंट करके अवश्य बताना। जिया दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। आपकी चौथी गलती यह है कि कभी कभी आप दिखावेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। आप जानते हैं कि कहां दिखावेबाजी है और कहां जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे दिमागी स्थिति में फंस जाते हैं कि आप दिखावेबाजी की ओर झुक जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि दिखावेबाजी के चक्कर में आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, यानी आपका पैसा चला जाता है, ज्यादा मात्रा में चला जाता है और आप बाद में तो इस निर्णय पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, मिलकर जी के चक्कर में पैसा चला गया, दिखा भी बाजी में चला गया पैसा, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। पैसा तो आपका चला ही जाता है तो आप सतर्क रहना है। जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें तो आपको यह एक बार जरूर विचार करना है कि यह आपके लिए जरूरी है या नहीं है, कितना जरूरी है, क्या इसके बिना काम चल सकता है। दोस्तों आपको इस तरह विचार करके ही चीजें खरीदनी होगी, पैसा खर्च करना होगा वरना होगा।
ये कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई बार आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे, ना के बराबर उपयोग करेंगे, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्च की वजह से, दिखा भी बाजी की वजह से, या दोस्तों क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा फंसा देंगे। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता अवश्य है। अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी बात सत्य है या नहीं। अब पांच भी कमी के बारे में बात करते हैं, और यह कमी आध्यात्मिक है। धार्मिक दोस्तों, वैसे तो आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, अब भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। आप किसी भी धार्मिक पद्धति को नियम से पूरा नहीं करते हैं, यानी कि जैसे आप मंदिर जाएंगे जाएंगे, अवश्य ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाने से परहेज है जाएंगे, लेकिन आप नियमित नहीं जाएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन नियमित नहीं पढ़ेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किए जाएं, तभी उनका फल प्राप्त होता है। यह दोस्त कभी कभार की गई पूजा का कोई महत्व नहीं होता है, यह नियम से की जाने वाली पद्धति है। अब ऐसा क्यों दोस्तों, जब आप पूजा पाठ को नियमित तौर पर करते हैं तो असल में आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और ईश्वर है, ईश्वर ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। अब आपको और समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी तो आपने क्या देखा? आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति, यह दोस्त यानी वे हनुमान जी नहीं है, उनका प्रतीक है, उनका चिन्ह है, उनकी मूर्ति है। तो आप उस मूर्ति के माध्यम से हनुमान जी की, जो कि शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, हनुमान जी कोई इंसान थोड़ी है, हनुमान जी कोई जीव थोड़ी यहां वहां भटक रहे, हनुमान जी तो ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और हर जगह विद्यमान है, हर इंसान के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान है। तो आप समझ ले कि आप उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सब में विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से पूजा कर रहे हैं। तो अब आपकी पूजा करने से होगा क्या? आपकी पूजा करने से वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी? जी हां दोस्तों, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अब यह एक दो बार की पूजा करने से नहीं होगा, आपको लगातार पूजा करनी होगी, नियम से पूजा करनी होगी, रोज पूजा करनी होगी। जब आप एक ही पूजा पद्धति को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं, तो फिर एक दिन हुए समय आ जाता है जब भगवान की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया या भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और जीवन में उतार हो गया, भांत बदल गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हम सुनते हैं, कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सामने वाले इंसान ने लंबे समय तक किसी एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाया। तो अब आपको क्या करना है? जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, सब भगवान एक ही है दोस्तों, कोई अलग अलग नहीं है। तो जिसमें भी आपकी आस्था है, शिव जी में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है, कृष्ण भगवान में आस्था है, विष्णु जी में आस्था है, या माता में आस्था है, तो आप उनकी एक विशेष पूजा पद्धति उठाइए। संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। होते हैं और आपकी पैसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है ना दोस्तों, शेयर मार्केट में लगाया है, ये किसी जुड़े वाली स्कीम में पैसा लगाया है, जहां जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन पैसे वाले आप नहीं बनेगा, आपका पैसा फंस गया, चला गया। यही हाल आपका व्यापार में भी है। कभी कभी आपको व्यापार में फायदा ही फायदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, बाद में फायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है, फिर आपको कोई कितना ही समझाए, आपको बात समझ में नहीं आती है। आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा लिया, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं, और इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका पैसा फंस गया है, आप परेशानियों में आ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी इन आदतों पर कार्य करिए, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे दोस्तों, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये दोस्ती, यकीन मानिए, आप हमारा, हमारी जीवन की जो भी अनुभव है, हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था, आज यह समय है कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है।
लेकिन जीवन में बदलाव किए बिना, आदतों में सुधार किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, करना तो आपको ही पड़ेगा, हमारा काम तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें आपको बताना है कि कौन से हैं वह तीन ग्रह जो आपको पीड़ित करते रहते हैं समय समय पर और आपके धन की आवक को रोकते हैं, ये दोस्तों आपकी बरकत को रोकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वह तीन ग्रह। सबसे पहला ग्रह है शनि, शनि का कार्य होते हैं। पहला, आपके धन की आवक को रोकना। दूसरा, आपके घर में कष्ट परेशानियां बीमारियां देना। दोस्तों, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप यदि जरा भी लालच करेंगे, जरा भी परेशानी किसी दूसरे इंसान को देंगे, चाहे अनजाने में ही दें, शनिदेव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे, आपके भाग्य में लिख देंगे। और शनिदेव हालांकि आपके लिए लेडीज करने वाली ग्रह नहीं है, आपको पीला नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां, आपके खुद के की जाने वाले गलत कर्म ही आपको पिला देंगे। और यह न्याय शनिदेव के हाथ में है, तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मानव होने के नाते गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हर इंसान करता है, आप भी करेंगे, तो कब तक जीवन भर गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे? कभी सुख आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार तो शनिदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फिरते रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है? तो अब एक ही समाधान है कि आप शनिदेव की शरण में चाहिए। आपको करना यह है कि आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि शनिदेव के मंदिर में आपको जाना है, लेकिन जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति लगी हो उस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अब ऐसा क्यों? किसी शनिदेव की छूत दृष्टि है, वह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, उससे बचना चाहिए। या दोस्तों, अब दृष्टि है या सुदृष्टि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई और आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात के बहुत ज्यादा मौके हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ही आएंगे। तो अब आपको कहां जाना है? ऐसी मंदिर जाना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप स्थापित किया गया हो। अब यदि ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है नहीं, तो आपको फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और शनिदेव की ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। आपको कम से कम 21 शनिवार यह कार्य करना है दोस्तों। यह दोस्त 21 शनिवार आप यह कार्य करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। यह दोस्तों में और हो सके तो आप अपने घर के पूजा स्थल मैं भी शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया करिए। हमारी बात मानी है दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप शनिदेव के नाम का एक दीपक चलाइए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक आपको शाम के समय जलाना है, यानी कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप मंदिर भी यदि जाएंगे तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में, जैसे छायाकार कहते हैं और शनि देओल स्वयं छाया पुत्र हैं, तो आप यदि इस समय जाएंगे तभी शनिदेव आपकी सुनवाई कर पाएंगे दोस्तों। तथा शनि का अब आपको बताएं दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। आपको शुक्र को मजबूत रखना होगा दोस्तों, अन्यथा हर एक मेहनत बेकार हो जाएगी। शुक्र का रखें आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, वर्कर, धन की आवक और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके मान सम्मान और सामाजिक वर्चस्व का दुष्चक्र का आपको समाधान यह करना है कि आपको अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक सफेद रुमाल अवश्य रखकर निकले। शुक्रवार के दिन आप बहते हुए जल में सफेद खाने की वस्तु प्रवाहित कर सकते हैं, बतासे वगैरह, रिवरिया वगैरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की कोई वस्तु दान करें, चावल की बनी खीर खिलाई, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ग्रह की, और वह ग्रह है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल वैसे तो आपको सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहने से आप मंगल के उपाय भी अवश्य करिए, क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जिला दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां आपको पहले तो बहुत फायदा दिखाई देता है, लेकिन बाद में वहां कोई फायदा नहीं होता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है, आपका पैसा फंस जाता है, आप भले बुरे का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है मंगल की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके अंदर बुद्धि की कमियां, बहुत बुद्धिमान हैं आप, बहुत ऊर्जावान हैं, तर्क शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन मंगल की नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। दूसरी की एक दिखावेबाजी की आदत, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी कभी आपके अंदर दिखावेबाजी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भी आपका पैसा फंस जाता है, यह भी मंगल की वजह से ही होता है।
कल तो आप हमारे कहने से मंदिर से जुड़े उपाय अवश्य करिए, तो मंगल को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन अवश्य करिए। हनुमान जी के मंदिर चाहिए, मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर व्रत करें। ऐसे ही नहीं, चलो कल मंगलवार है और कल से व्रत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप बाकायदे मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए, हे प्रभु हमारी यही मनोकामना है, आप हमारा साथ दीजिए और हम आने वाले 11 मंगलवार 21 मंगलवार तक का व्रत रहने का संकल्प लेते हैं। फिर आप देखिए हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं, मंगल की संपूर्ण पीड़ा है समाप्त हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करिए। यह दोस्तों के साथ ही साथ जब आप सोने जाएगा अपने बिस्तर के सिरहाने जल का एक पात्र अवश्य रखिए। जी हां दोस्तों, ढककर रखना, उस पात्र को खुला नहीं रखना है। जल का कोई भी पात्र खुला नहीं रखा जाता। दोस्तों आप यकीन मानिए, यदि आप भी ऐसे पात्र में से पानी पी लेते हैं जो कि खुला हुआ रखा था, तो आपने समझो कि भूतों का भोजन ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार पिंड भूतों का भोजन है, उसी प्रकार खुला पात्र, हम पात्र की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब कोई कहने लगे कि नदियां भी खुली हैं, वह भी खुले हैं। दोस्तों उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जल स्रोत है, जल के पात्र नहीं है। हम पात्र की बात कर रहे हैं, जैसे आपके यहां जग है। कैलाश से अगर आपने खुले हुए पात्र से जल ग्रहण कर लिया तो आप ऊपर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर हावी हो जाएगी। जल के अंदर ऊर्जा को ग्रहण करने की एक अदम्य शक्ति होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएंगे तो आपको जल का एक पात्र अपने सिरहाने रखकर सोना है, ढककर रखना है। उस पात्र को सुबह जब आप सोकर जागे तो अपने दरवाजे का सिंचन कर दें, उसे जल्द से, जी हां दोस्तों, यानी उस जल को छिड़क दें। अपने दरवाजे पर आप देखेंगे कि मंगल की संपूर्ण जो नकारात्मक ऊर्जा है आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। आपके हर एक निर्णय, हर एक फैसले पर आपको कामयाबी हासिल होगी। मां भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी भी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। दोस्त इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है इस वीडियो को लेकर आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें, जिसके साथ है बाबा बजरंगबली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम हमेशा शुद्ध ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है। हम मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए